नमस्कार। आज हम आलू का पराठा बनाएंगे, वो भी दो तरीके से, आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। मैं आटा ले रही हूँ 1/2 kg गेहूँ का आटा, और इसको हम गूंथ लेंगे। अभी देखिए, नमक डाल देंगे थोड़ा सा, जैसे आप नॉर्मल गूंथते हैं उसी हिसाब से हम गूंथ लेना है, पानी और नमक डाल के। और इधर इसको गूंद के साइड में रख देंगे। और इधर ले रही हूँ मैं उबला हुआ आलू और धनिया पत्ता, हरी मिर्च कटा हुआ, प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आलू का मिश्रण हमारा रेडी हो चुका है। अभी देखिए, मैं आटा भी गूंथ चुकी हूँ और साइड में रख दिया था। एक बेलन लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा, और नॉर्मल तरीके से हम जैसे बनाते हैं उसी हिसाब से एक गोला लेना है आटे का। और इसको हम आटे में मिला देंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा आटा लगा लेंगे और इसको अंदर से बाउल जैसा बना देंगे, कटोरी जैसा। और इसके अंदर हम आलू डालेंगे, आलू का जो मिश्रण था। अभी आलू का मिश्रण डाल के अच्छी तरह से इसको बंद कर देना है। ये हमारा नॉर्मल तरीका है जैसे हम हमेशा बनाते हैं। ये देखिए, चारों तरफ बंद कर दिया मैंने। और इसको दोनों तरफ से आटा लगा के थोड़ा थोड़ा चपटा कर देंगे, और साइड से दबाते हुए इसको इस तरीके से हम फ्लैट कर लेंगे। अभी हमारा दूसरा तरीका बनाने का है, और इसमें हम दो छोटे छोटे बॉल लेंगे गोला, और इसको हम छोटे छोटे रोटी जैसा बना देंगे दो। देखिए, मैं बना चुकी हूँ। अब बहुत ज़्यादा पतला रोटी जैसा मत बनाइए, थोड़ा मोटा मोटा रहने दीजिए। इसमें हम आलू का मिश्रण को डाल देंगे और फैला देंगे इस तरीके से। देखिए, अच्छी तरह से फैला देंगे। पहला वाला तरीका आपको नहीं आ रहा है तो आप ये वाला तरीका से बनाइए। उसके ऊपर और एक रोटी डाल के हम इसे दबा देंगे, और इसको और थोड़ा पतला बेल लेंगे। थोड़ा आटा दे के, दोनों तरफ से हम आटा दे के अच्छी तरह से बेल लेंगे इसको। ये वाला तरीका जो है बनाना बहुत आसान रहता है। पहले मैंने जो बनाया था इसको भी मैं बेल लूँगी। ये देखिए, दोनों पराठा जो बेल चुकी हूँ मैं। आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा रहने दीजिए। और अगर आपका आटा चिपकता है तो थोड़ा आटा डाल के बेल सकते हैं। अब इस तरफ मैंने तवा गरम कर चुकी हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया है पराठा। और नॉर्मल जैसे आपको सेकना है उसी तरीके से आप दोनों तरफ से पलटते हुए सेक सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से ऐसे पलटते हुए इसको, थोड़ा रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आलू का पराठा थोड़ा मोटा रहता है, तो थोड़ा रोटी से ज़्यादा समय लगता है। अभी थोड़ा सिक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे बटर। दोनों तरफ से मैं बटर डाल चुकी हूँ। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो उसी हिसाब से आप डालिए। ये देखिए, दोनों पराठा को मैं अच्छी तरह से ऐसे सेक लूँगी। अभी देखिए, दोनों पराठा हमारा रेडी है। इसको आप दही के साथ, चटनी के साथ या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो जो है आप सबसे पहले देख सकें।
और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।